टोनिक वन, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं आपको 15 कॉइन ऐसे बताऊंगा, 15 टोकन ऐसे बताऊंगा जो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हो तो बहुत अच्छे जा सकते हैं। उसका रीजन ये है, इनका इकोसिस्टम बहुत जबरदस्त है, बहुत इसका बेस बहुत बढ़िया है। ताकि आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसमें कुछ ना कुछ अर्न कर सकें, कुछ अच्छा अर्न कर सकें। मार्केट में एक से एक गेमिंग टोकन और वो नए नए टोकन आ रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए लॉन्ग टर्म तक जो भी टोकन जो रहेंगे फ्यूचर में, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ खास ही टोकन होंगे। हर कोई टोकन, गेमिंग टोकन इतने भरमार आ रही है मार्केट में, कोई ICO IEO आ रहा है दोस्तों। हर स्टार्टिंग में अप एंड डाउन जरूर होगा, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म जो आपका साथ देंगे वो कुछ खास ही टोकन देंगे। तो सबसे पहला टोकन मैं लेके चलता हूँ मून रिवर, मूवर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके ऊपर ये एक्चुअली इनकी खुद की मून बीम ब्लॉकचेन का टोकन है, सॉरी कॉइन है, इनकी अपनी ब्लॉकचेन है। और इनकी अपनी ब्लॉकचेन होने की वजह से इनकी हाइप बड़ी जबरदस्त है और ये पोलका डॉट के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो करंट प्राइस है $53 चल रहा है और इसका ऑल टाइम हाई फ्रेंड्स, इसका ऑल टाइम हाई जो है $494, मतलब $500 के आसपास रहा है। और इसका जो अभी मार्केट कैप जो इसका है बहुत कम है, ठीक है, 183 मिलियन के आसपास है अभी के हिसाब से। तो दोस्तों ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जा सकता है। इसके 24 आवर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ा कम है और ये जेम हो सकता है आने वाले टाइम में। तो अपने पोर्टफोलियो में मून रिवर को सबसे पहले जरूर रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट कॉइन और इसके इसका हाइप होने का रीजन भी बता देता हूँ दोस्तों। इसके ऊपर मूवर के ऊपर बहुत इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे टोकन बन रहे हैं जिनकी वजह से ये हाइप हो सकता है। रिसेंटली ये इसी साल मतलब 2021 में ही आया है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं है दोस्तों। बट ये है कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है आपको। इसमें स्टेकिंग भी अवेलेबल है और फॉर लॉन्ग टर्म इसको अपने आप रख सकते हैं, किसी एक्सचेंज पे या किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग होडल नहीं कर पाते, जो लोग होडल करते हैं वही अमीर बनते हैं हमारी इसके अंदर एनीवे। और होल्डिंग भी जो होती है दोस्तों, होल्डिंग भी पर्टिकुलर बहुत अच्छे कॉइन में होनी बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कॉइन था मून रिवर। अब सेकंड कॉइन की तरफ चलते हैं दोस्तों, उसका नाम है बाइको। तो रिसेंटली में जो अभी ये दिखाया था, जो लिस्टिंग प्राइस था 24 के आसपास था दोस्तों, लेकिन मार्केट का हाल बुरा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा डाउन आ गया और वो इतना ज्यादा डाउन हो गया कि ये $1 के आसपास घूम रहा है। और ये यकीन मानो फ्यूचर, अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने जो जो बोला है वो करके दिखा दिया तो, और अपने जो रोड मैप के हिसाब से चले तो ये बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। ये बेसिकली इथेरियम में जो प्रॉब्लम्स है उसको कंसीडर करने के बाद ये बाइको रेडी किया है। कुछ इंडियन फेसेस हैं जो इनके CEO हैं और ये एक्चुअली इंडियन प्रोजेक्ट ही कह सकते हो इसको। और इसका जो मेन मकसद क्या है दोस्तों, मेन मकसद इसका ये है कि ये उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसपे इथेरियम नहीं करता। मींस आपको जो मजबूरन इथेरियम की फीस अकॉर्डिंग टू जो गैस प्राइस है, जो भी ट्रांजैक्शन करते हो इथेरियम फीस में, इथेरियम कॉइन को ही आपको फीस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा इकोसिस्टम रेडी कर रहे हैं दोस्तों कि ये यूएस को दूसरे टोकन में भी फीस दे सकते हैं। मानो कि अगर ट्रांजैक्शन फीस कुछ ज्यादा है इथेरियम के अंदर, तो आप उसको बदल के कुछ और दूसरी फीस या स्टेबल कॉइन और अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हो कि फीस अगर ज्यादा देना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो गए, अगर कम देनी है फीस तो ये इस हिसाब से ट्रांजेक्शन करनी होगी। मतलब बेसिकली आपके फायदे की चीज के लिए काम कर रहा है, जिसकी चीज की आपको जरूरत है उसके लिए काम कर रहा है। अगर आपके पास जो कॉइन नहीं है उसके बदले में आप USDT USDC से भी आप इसको अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बहुत होंगे, काम कर रहे हैं, अभी रेडी नहीं है, बट इनकी हाइप बहुत जबरदस्त है और इनका जो प्लान है वो भी बहुत जबरदस्त है दोस्तों, ठीक है। तो ये अपनी जो लिस्ट में जरूर रखना दोस्तों बाइक को, ठीक है। और ये थर्ड जो हमारा है जैस्मी, ये जैस्मी बेसिकली फ्रेंड्स, ये जैस्मी ना तो यूरोप का है ना इंडिया का है, ये बेसिकली जापान का कॉइन है।
तो जापान का जो ये टोकन है ये बहुत जबरदस्त इसका जो पार्टनरशिप रही है सोनी और बड़ी बड़ी कंपनियों से इसकी पार्टनरशिप है और आने वाले फ्यूचर में ये बहुत अच्छा जा सकता है। वो रीजन ये है क्योंकि जैपनीज टेक्नोलॉजी में जबरदस्त होते हैं और ये इसका जो बेसिकली काम सिक्योरिटी मेटावर्स और इस सब चीजों को एक मतलब एक अलग ही डाटा मतलब इसका जो डाटा या जो कोई भी ऐसा चीज को इसका जो कॉइन है बेसिकली वॉल्यूम के ऊपर नहीं चाहिए, डाटा यूजेस के ऊपर चलता है। तो जितना डाटा इसमें यूज किया जाएगा उतनी ज्यादा कॉइन का प्राइस पुश होता है दोस्तों, ऐसा बोलते हैं। और रिसेंटली में इनका जो करंटली इनका टेस्टिंग चल रही है एक इकोसिस्टम एक डाटा के ऊपर, वो डाटा जितना जितना यूज होता चला जाता है उतना उतना इसका रेट बढ़ता जाता है। अगर रिसेंटली मैं आपको 7 डेज में इसका रेट दिखाऊं ऑलमोस्ट 3x हो गया दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे 7 डेज का आपको चार्ट दिखाता हूँ, 7 डेज का चार्ट दिखाने से मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। 1 सेंट के मतलब 1 सेंट के आसपास है था, अभी देखते हैं ये तो कितने सेंट चला गया दोस्तों, 4 सेंट के आसपास हो गया, 4 सेंट से भी ज्यादा हो गया। तो देखो एक हफ्ते के अंदर जिसने एक हफ्ते पहले इसमें पार्टिसिपेट लिया था दोस्तों तो उसका 3x से ऊपर पैसा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो जैस्मी कॉइन बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम से काम कर रहा है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है और वेब 3.0 को डायरेक्टली टारगेट करता है दोस्तों, ठीक है। तो सिक्योरिटी मेटावर्स हर चीज में एक कॉइन यूज होने वाला है। तो इसको अगर आपने इसको आपने फॉर लॉन्ग टर्म स्टेकिंग भी अवेलेबल है बाइनांस के ऊपर, एक दो तीन एक्सचेंजेस गेट डॉट आईओ के ऊपर भी है। तो अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं तो कहीं पे भी स्टेकिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। अभी इनका जो स्टेकिंग का वो है थोड़ा सा ये है कि भाई आप स्टेकिंग कर सकते हैं लेकिन अपने डेक्स को यूज करके या अपने वॉलेट को यूज करके, जो पर्सनल प्राइवेट वॉलेट है उसको यूज करके नहीं कर सकते, जैसे कि मेटामास्क। केवल आपने अगर स्टेकिंग करनी है तो बाइनेंस के ऊपर कर सकते हो और गेट दो टाइयों पे और कुकॉइन के ऊपर भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अभी तो इसके बाद जो थर्ड जो कॉइन बताने जा रहा हूं दोस्तों उसका नाम है ऑक्टोपस। मैंने कई बार ही ऑक्टोपस नेटवर्क को मैंने रिकमेंड किए हैं दोस्तों और आगे भी करता रहूंगा। ये जब मार्केट में आया था बड़ी अच्छा, इसका ऑल टाइम हाई बहुत अच्छा बना, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा स्लो बिकॉज जो मार्केट बड़ी डाउन गई तो ये भी नीचे गया, $3 से ऊपर ये जा चुका है दोस्तों। और इसका ऑल टाइम एक बार फिर भी देख लेते हैं तो इसमें ऑल टाइम है $7, हाँ $3 नहीं दोस्तों $7 जा चुका है। तो $7 से ये बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं और 75% से भी ज्यादा परसेंटेज इसका डाउन है दोस्तों। तो बेसिकली ये इसने जो पिछला ऑल टाइम अगर तोड़ा गया तो 8 से 10 गुना इजिली 10x to 20x to 15 या 20x इजिली जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दो राय नहीं है। वॉल्यूम इसका कम है, कॉइन मार्केट में इतने हैं नहीं और बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम है इसके। ये जैसे कि अपना पोलकाडोट पैराचेन्स को ये कनेक्ट करके अपना इकोसिस्टम को बहुत वाइड करता है, सेम टू सेम ये एप चेन वहां पे पैराचेन और ये एप चेन, ठीक है, जो ऑक्टोपस नेटवर्क को यूज करके कई एप चेन्स इसके साथ जुड़ सकती है और ऑक्टोपस नेटवर्क उनको हेल्प करता है अपने साथ जोड़ के अपने इकोसिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये जो टोकन है दोस्तों। और ये बेसिकली ये जो इथेरियम के ऊपर भी है और दूसरा एक और है उसके ऊपर भी है दोस्तों, मैं उसका कॉइन का नाम भूल गया है, नियर प्रोटोकॉल के ऊपर है दोस्तों। तो नियर प्रोटोकॉल और इथेरियम के इनके दोनों टोकन इकोसिस्टम के ऊपर टोकन है, मतलब दोनों ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन है। अगर किसी इथेरियम से बाय करना तो इथेरियम जो चेन को यूज करना पड़ेगा, अगर नियर पे बाय कर रहा तो नियर चेन को यूज करना पड़ेगा दोस्तों। एनीवे अगला जो टोकन है उसके बारे में चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। BTT रिसेंटली में दोस्तों मैंने BTT का भी वीडियो बनाया है और मुझे ये इकोसिस्टम बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो BTT है, BTT बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है जो किसी भी फाइल को,
ठीक है, किसी भी फाइल को छोटा या बड़ा और स्पीड उसकी कम या ज्यादा करने में बहुत ज्यादा काबिल है, और आने वाले टाइम में बिट टोरेंट बहुत जबरदस्त जाएगा, और इसने काफी लोगों को पिछले ऑल टाइम हाई के ऊपर भी बहुत अमीर बनाया था। इस बार इन्होंने क्या किया है, इनको ये लगा कि इनका इकोसिस्टम बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, तो टोकन की जो सप्लाई है वो काफी कम है, तो उसकी बढ़ाई गई 1000x इनकी इंक्रीज कर दी है टोकन। जिसके पास एक टोकन था वो 1000 टोकन हो चुके हैं, इन्होंने ऑलरेडी ये कर दिए हैं दोस्तों। तो अभी इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो अडॉप्शन भी उस हिसाब से ज्यादा समझी जाएगी दोस्तों मार्केट में, ठीक है। 990 ट्रिलियन टोकन जो टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई, और सर्कुलेटिंग जो है मार्केट में वो 923 बिलियन के आसपास है दोस्तों, ठीक है। इसका जो ऑल टाइम हाई तो हम नहीं देखेंगे, बिकॉज इनका ऑलरेडी एक जो इनका जो टोकन जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऑल टाइम देखने को कोई फायदा नहीं है। बट हमें देखना है बेसिकली, मैंने जैसा बताया कि हमें इकोसिस्टम के ऊपर, ये जो सारे टोकन है ये इकोसिस्टम के ऊपर है, और इनका इकोसिस्टम स्ट्रांग है, वही टोकन हमने चूज किए हैं दोस्तों। इनमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे बहुत अच्छे जा सकते हैं, अगर नहीं गया तो एक दो नहीं जाएगा, बाकी मुझे पक्का विश्वास है कि 99% ये टोकन कॉइन जो भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों, तो ये बहुत अच्छे जाएंगे, तो चिपक के बैठिएगा दोस्तों, ठीक है। और भी टोकन बहुत जबरदस्त बता रहा हूँ, और बिट टोरेंट मैंने बताया, रिसेंटली किसी ने वीडियो देखना है तो मैं इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, बीटीटी के ऊपर है, स्पेशल बीटीटी के ऊपर। इसके बाद जो बहुत ही पुराना जो बीएनबी चेन के ऊपर जो टोकन है उसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है पैनकेक स्वैप, ठीक है। बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल था ये एक हफ्ते पहले, अभी रिसेंटली में जो इसका जो रेट्स वगैरह बढ़े हैं दोस्तों, इसका जो इसके जो जो पैनकेक स्वैप है, इसका जो रिसेंटली में इसका थोड़े टाइम पहले, मतलब 1 वीक के पहले इसका रेट बहुत कम था दोस्तों, अभी इसका जो रेट है $6 के आसपास चल रहा है। यकीन मानिए कि पिछले 4 साल में मैंने $6 नहीं देखा इसका प्राइस, ठीक है, फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में मैं देख रहा हूं कि $6 के आसपास है, इससे पहले $5 के आसपास भी गया है, तो मैं दिखा देता हूं 1 वीक के आसपास कहां था, देखते हैं यहाँ पे इसका ऑल टाइम लो ही देख लेते हैं दोस्तों। ऑल टाइम लो तो 19 सेंट है दोस्तों, ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ऊपर है, 300x ऊपर है ऑलरेडी। एनीवे, इसका 7 डेज का हम इसका चार्ट देख के पता लगाते हैं कि 7 दिन पहले इसका क्या था, क्या सीन था इसका, $5.37 था, ठीक है, ऑल टाइम लो, ठीक है, $5.37 था दोस्तों। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम इतने रेट पे अवेलेबल देखा था, अब 6.5 का है 6.40 का है, तो इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है पैनकेक स्वैप को यूज करके आप 67% के आसपास इसमें एपीआई ले सकते हो दोस्तों, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टेकिंग है, ऑटोमेटिक आपके पास आते हैं कि रीस्टेक होते चले गए तो मल्टीपल आपके टोकन का जो जो है टोकन को मल्टीपल गेन होना बहुत मतलब इजीली हो जाता है, जिसकी वजह से 67-69 के आसपास परसेंटेज के आसपास इसका वो परसेंटेज एपीआई दे रहे हैं दोस्तों, तो अपने आप में बहुत जबरदस्त एपीआई है, इंटरेस्ट है, तो इसको आप ले सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और इसका रीजन क्या है, पैनकेक स्वैप है जो इसकी एक्सचेंज का यूज केस बहुत जबरदस्त है, डे बाय डे ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, एक से एक टोकन शिट कॉइन और बढ़िया कॉइन, अच्छे कॉइन, हर तरह के कॉइन इनकी एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जा सकता है, 100x भी जा सकता है, जाने को इसका कुछ कोई वो नहीं है, कुछ नहीं कह सकते कि भाई इसका कोई बहुत बड़ी यूज केस आ गया, कुछ बहुत बड़ा और भी कुछ आ गया, तो बहुत तेजी से बढ़ेगा दोस्तों। रिसेंटली इसने मतलब 25% के ऊपर आसपास ये बढ़ा है, मतलब एक हफ्ते के अंदर 25 के आसपास बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉइन के ऊपर जाते हैं दोस्तों, इंटरनेट कंप्यूटर ICP, ऑलरेडी मैंने बना रखा है इसके ऊपर वीडियो। ICP बेसिकली क्या है, इंटरनेट को और ज्यादा स्मूथ और बढ़िया करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, केवल इंटरनेट से रिलेटेड, कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड, और इसमें जो भी टीम जबरदस्त काम कर रही है, और इसका ऑल टाइम हाई भी बहुत जबरदस्त था दोस्तों, $700, और आपको कितने में मिल रहा है, $17 में मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इसके अंदर आपको गेन होने की संभावना है। वेब 3.0 का सीजन आने वाला है, या थोड़ा बहुत तो चल रहा है और आने वाला भी है,
जैसे जैसे सीजन पास आता जाएगा इसका ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। इंटरनेट आईसीपी को कभी मत मिस करना, मैं ये कहता हूं। बाकी आप अपनी एक बार जरूर देख लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये जो पर्टिकुलर इनका एक टारगेट है उस टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और आईसीपी का जो स्टेकिंग थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल नहीं नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो इसको होल्ड करके भी रखोगे तो बहुत अच्छा गेन देगा फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। उसके बाद जाते हैं एफटीएक्स, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज केस है एफटीएक्स एक्सचेंज का और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इतने ज्यादा बियर मार्केट होने के बाद भी ये टोकन का ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई दोस्तों, ठीक है। टोकन कॉइन जो मजबूत है, मजबूत होने की वजह से ये स्टेबल है, मतलब 44-40 के आसपास बहुत लंबे टाइम तक रहा। अब जाके ये मैंने 6 सेंट, 7 सेंट, 8 सेंट, 10 सेंट में भी देखा है दोस्तों, $1, $2 में भी देखा है। तो बेसिकली क्या है, ये बहुत ही अच्छा गेन दे चुका और फॉर फ्यूचर ये बीएनबी को टक्कर देने वाला एक कॉइन है, एकमात्र एक्सचेंज एफटीएक्स है जो बीएनबी को टक्कर देगी आने वाले टाइम में। जहां पे बाइनेंस नहीं जा पाएगा वहां पे एक टाइम में एफटीएक्स, ये वो वाली एक्सचेंज है जो बाइनेंस जिस टाइम जब बोर हो जाएंगे लोग और जो यूज नहीं करना चाहेंगे उसके बाद जो एक्सचेंज सामने आएगी वो एफटीएक्स होगी। इसमें टोकन कॉइन के अलावा और भी ऐसे जो है टोकन है जो बाहर विदेशों से लिस्टेड है ऑलरेडी, तो उनको भी आप इनके स्टॉक वगैरह को आप यहाँ पे और इसके स्टॉक के अलावा इनके एक्सचेंज में आप लीवरेज टोकन का भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। लीवरेज टोकन आपको पता ही है, लीवरेज टोकन जो एक अगर माइनस होता है 1% ऊपर बढ़ता है तो वो 3% ऊपर बढ़ता है, अगर 1% नीचे जाता है तो 3%, ऐसे 3x 2x 1x ऐसे करके लीवरेज टोकन है। थोड़ा रिस्की है बट आप जब भी अभी करना चाहते हो तो आप FTX एक्सचेंज का यूज कर सकते हो। और एक बार और बता दूं, लीवरेज टोकन बेसिकली लाया ही FTX था सबसे पहले, उसके बाद FTX जो टोकन है, ये जो इनके लीवरेज टोकन है ये बाइनेंस पे लिस्ट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं बाइनेंस को इनसिक्योरिटी फील होने लगी, उसने डीलिस्ट करके अपना सेम टू सेम उसकी निकल करके अपना जो लीवरेज टोकन रेडी कर दिया और अभी इसको डीलिस्ट कर दिया FTX को और अपने लीवरेज टोकन से वहां पे ट्रेड हो रही है उनके, ठीक है दोस्तों। एनीवे FTX होल्ड करने पे, एक्सचेंज पे स्टेक करने से इतने फायदे मिलते हैं। इथेरियम को कोई भी टोकन आप अगर विड्रॉल या डिपॉजिट वगैरह करते हो तो कोई तरह की फीस नहीं देनी पड़ती, काफी आपकी फीस ये कवर कर लेती है एक्सचेंज, ठीक है। तो बेसिकली एफटीएक्स से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, आईडीओ उसके जो कोई भी आईडीओ आता है तो उसमें प्लेटफॉर्म पे आईओ वगैरह में पार्टिसिपेट ले सकते हो और परसेंटेज भी बड़ी जबरदस्त है। और होल्डिंग अगर करते हो उसकी तो ये $400-500 कहीं नहीं गया, 10x 20x 15x इजिली, बिकॉज इनका जो इनके इस एक्सचेंज के पास इतना पैसा है कि ये जब चाहे अपने जो है टोकन को अप कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट टोकन की तरफ जाते हैं दोस्तों, बीएनबी। तो नेक्स्ट टोकन जो हमारा है बीएनबी टोकन आपके सामने है, $400 के आसपास है, $2 ही कम है 400 में, ठीक है दोस्तों। तो बाइनांस एक जबरदस्त इकोसिस्टम है, इसकी खुद की ब्लॉकचेन है जिसकी वजह से ये टोकन बहुत जबरदस्त इसने हाइप दिखाई पिछले साल और ये $600 के आसपास भी है। अभी ये बहुत अच्छे रेट पे है अवेलेबल, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रेट भी कह सकता हूँ, अच्छा रेट भी, अच्छा खासा रेट है, ठीक है। आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छा गेन कर सकता है बिकॉज रास्ता बहुत लंबा है, 2-3 साल ग्रोथ के का टाइम है अभी, तो उसमें अभी ये रिसेंटली में इसका जो डाउन फॉल होने के बाद भी $400 के आसपास, $400 के आसपास है दोस्तों। तो अगर हम 10x भी सोचे तो 1000 तो से ऊपर ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो $1500 जाना इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है अकॉर्डिंग टू इसका यूज केस, बहुत जगह इसका यूज केस बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। तो इसको मिस मत करिएगा, थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बारे में मैं इतना बोलने की जरूरत है नहीं बिकॉज इसके बारे में बोलना ये समझ लो कि आपको एक नई चीज को बताना है, ऑलरेडी आपको बहुत बहुत पता है इसके बारे में, तो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत रखने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा
इसका यूज केस है, तो बिन भी इसलिए रिकमेंडेड है। मूनवेल रिसेंटली दोस्तों मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, उसके बाद काफी इसकी अनाउंसमेंट आई, इसमें मैंने एक खास चीज देखी जिसकी वजह से मैंने रिकमेंड किया इसका वीडियो बनाया। इसमें खास चीज क्या है दोस्तों, मून बीम के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मून रिवर के ऊपर, और इसका जो है और भी एक और इसका टोकन मार्केट में आ रहा है मून बीम मून वेल अपोलो करके है, ठीक है वो आ रहा है उसका जो, लेकिन उसको इकोसिस्टम है उसका एक बिल्ड हो रहा है, अभी काफी कुछ हो चुका है और ज्यादा हो रहा है। बेसिकली डीफाई एप्लीकेशन है इनके खुद की, डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, तो इसके जो फाइनेंस इसका जो एप्लीकेशन है उसके आप ऊपर जाके आप मून रिवर जो है टोकन को, मूवर टोकन को भी स्टेक कर सकते हो, आप लेंडिंग एंड बोरिंग कर सकते हो। तो बेसिकली काफी आपने वो देखे होंगे जैसे कि DAO प्रोटोकॉल है और आवा है, जैसे बहुत बड़े बड़े जो डीफाई है जो अच्छे रेट पे है, मेकर DAO है जो अच्छे रेट पे अवेलेबल है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो इसी प्राइस पे होते थे। अब हम इसका जो जो टोटल जो सप्लाई है 1 बिलियन है दोस्तों, ज्यादा नहीं तो $1 भी एक्सेप्ट करें तो बहुत ज्यादा इसका गेन हो सकता है दोस्तों। $1 भी अगर, क्योंकि 1 सेंट था ये थोड़े दिन पहले, तो 2 सेंट चल रहा है ऑलरेडी, तो अगर हम $1 भी करें तो बहुत ज्यादा फ्यूचर में इसका ग्रोथ हो सकता है। अभी इन्होंने क्या है कि डायरेक्ट ही इसने इन्होंने अपनी मूनवेल टोकन को लिस्ट किया है, कोई किसी तरह का मैंने इनमें लालच वगैरह किसी तरह का देखा नहीं। ग्रीडी होते हैं कई, जैसे अकाला की टीम जैसे ग्रीडी थी, उन्होंने बहुत ज्यादा रेट पे हाईफाई रेट पे अपने टोकन बेचे और कोई ज्यादा हमें गेन देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो वैसे ही मून वेल को देखा जाए तो बेसिकली डीफाई एप्लीकेशन को रेडी करके लिस्ट भी करवा दिया और उसके बाद मून बीम से भी पार्टनरशिप है इसकी, और पार्टनरशिप है कई जो बड़ी बड़ी हस्ती है उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है। किसी ने $10 बिलियन, नाम तो नहीं पता मुझे, इसे नाम देखना पड़ेगा, $10 बिलियन अभी इनके इकोसिस्टम के ऊपर इन्होंने लैंड किए हैं दोस्तों, ठीक है। एनीवे तो इसके अलावा ये एक रिस्क है, रिस्क फैक्टर को देखते हुए ठीक है इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पार्टनरशिप अच्छी है, कोई नेगेटिव पॉइंट अभी मैंने देखा नहीं है। हाँ 97% के आसपास अभी इसकी कुछ वॉलेट के ऊपर ऑलरेडी हैं, तो वॉलेट में है, लेकिन कुछ क्योंकि इनका इकोसिस्टम अभी ग्रो नहीं किया है, तो दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोई वो स्कैम है, ठीक है। अभी ये एक स्कैम हो या कुछ भी हो, बट अगर इसमें प्रॉफिट चाहिए तो लॉन्ग टर्म इसको स्टेक कर सकते हैं मूनवेल टोकन को, तो आने वाले टाइम में मे बी आपको एक अच्छा गेन मिल जाए। इनका मैंने इनका सीईओ का इंटरव्यू देखा था, काफी इंटेलिजेंट थे वो, इस वजह से मैंने इसमें सोचा कि इसका वीडियो बनाया जाए, ठीक है। और ये क्योंकि डीफाई इतने ज्यादा है नहीं उसके ऊपर मून बीम के ऊपर, तो मैंने ये डीफाई सिलेक्ट किया आपको बताने के लिए दोस्तों, ठीक है। 35% 24 आवर्स में हो चुका है, ठीक है, और आने वाले टाइम में कितना होगा वो आप इस पे वॉच करोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका जो 1 सेंट के आसपास गया था, तो अभी ये समझ लो कि डबल ही हुआ है, रिसेंटली डबल भी नहीं हुआ है, 1 सेंट से ऊपर भी नहीं हुआ है, तो 1 सेंट से ऊपर, 2 सेंट से ऊपर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही समझ लीजिए। 0.012 था ऑल टाइम लो, अभी 0.022 है, मतलब ऑलमोस्ट एक, मतलब कुछ परसेंटेज और बढ़ने पे डबल हो जाएगा दोस्तों। तो बड़े बॉटम पे इसको ग्रैब करना करा है मतलब कई लोगों ने, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा गेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। मूनवेल टोकन MFAM करके है, कोई जगह पे देख सकते हो। एनीवे नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं दोस्तों, कुसामा भी एक जेम लिस्ट में है, इसके बारे में ज्यादा लंबा चौड़ा बताएंगे तो आपको लगेगा कि 10वीं क्लास के बच्चे को ABCD सिखा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कुसामा एक पोलका डॉट इकोसिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। कई साल पहले कुछ सेंट का कुछ डॉलर का होता था, लेकिन इसने ऐसी गेन दिखाई, इतना लोगों को बड़ा बड़ा अमीर बना दिया। 10 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, और मत करिएगा, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, बट चांसेस देने के ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो KSM के नाम से, जिन लोगों के पोर्टफोलियो में जो बड़े बड़े कॉइन नहीं है जैसे कुसामा पोलका डॉट रख लीजिए,
फ्यूचर में जो इनकी ग्रोथ होगी बहुत ही जबरदस्त होगी दोस्तों। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। मूनबीम GLMR, इसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूं, आपको पता ही है दोस्तों। GLMR टोकन फॉर लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म में एक हफ्ते में आपको 10 गुना 5 गुना नहीं देने वाला। ठीक है, ये देगा आपको कम से कम बहुत अच्छा गेन देगा। एक साल तक होल्ड, 6 महीने से 1 साल तक होल्ड करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका जो कॉइन है इसका क्या पोटेंशियल है। इसकी अपनी ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन जो है पोलकाडोट इकोसिस्टम के लिए काम कर, लेयर वन ब्लॉकचेन दो तरीके से काम करता है। लेयर वन प्रोटोकॉल कॉइन इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, कोई भी टोकन कॉइन टोकन बना सकता है, जैसे कि इथेरियम पे बना सकता है। सारे काम वो होते हैं जो इथेरियम के ऊपर होते हैं। ईवीएम कंपेटिबल इनका जो प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन है, तो जो भी वो काम होंगे वो भी जो बीएनबी करेगा वो भी ये कर देगा। ठीक है, जो सारे काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये पोलका डॉट के लिए भी काम करता है। जो इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो डिप्लॉय करना है दोस्तों, डिप्लॉय करना है तो वो इसके साथ साथ मतलब जैसे इथेरियम पे डिप्लॉय हो सकता है लेकिन पोलकाडोट पे नहीं हो सकता। लेकिन मूनबीम उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसके जो सॉफ्टवेयर को यूज करके कोई भी इजीली सेम कॉन्ट्रैक्ट को पोलकाडोट के ऊपर डिप्लॉय कर सकता है दोस्तों। ठीक है, कुछ टेक्निक्स होती है, कंपनी पार्टनरशिप करती है, उसके बाद हेल्प करती है, उसके बाद वो डिप्लॉय हो जाता है दोस्तों, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। डेवलपर इसका यूज केस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दूं, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए आप। ठीक है, सेम कॉन्ट्रैक्ट को आप मूनबीम पे डिप्लॉय करिए, हो जाएगा। इथेरियम पे डिप्लॉय करिए, हो जाएगा। और अगर आप बीएनबी बाइनेंस चेन के ऊपर भी डिप्लॉय करते हैं, हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन वो सेम कॉन्ट्रैक्ट पोलकाडोट पे जाके करते हो अपने से, खुद से वो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, पोलकाडोट अपने आप को एक स्पेशल बनाया है पोलकाडोट ने, और उस स्पेशल को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए मूनबीम का इस्तेमाल होता है दोस्तों। समझ गए आप? ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर एक बार नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मूनबीम जो कॉइन है अपने पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म 6 मंथ से 1 ईयर की रेंज में रख सकते हो, बहुत अच्छा कॉइन है। ठीक है, और अगला जो है उसके ऊपर जाते हैं हम, अकाला। ठीक है, अकाला जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो इसने इतना अच्छा गेन नहीं दिया अभी तक। ठीक है, और इसका खुद का ब्लॉकचेन वगैरह ऐसा वो भी नहीं है, पोलका डॉट के ऊपर है जो भी है इसका, और पोलका डॉट का अपना ये प्रोटोकॉल है, अपना है इकोसिस्टम, उसके लिए काम करता है, पोलका डॉट से पार्टनरशिप है, ये कह सकते हो पोलका डॉट का प्रोजेक्ट है, और जैसे मूनबीम है। ठीक है, बट मूनबीम का अपना ब्लॉकचेन है, और अकाला नेटवर्क एक अच्छा एप्लीकेशन है, नो डाउट बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, और इसकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जो फील किया दोस्तों, इनकी जो टीम है थोड़ी सी ग्रीडी, थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेरे को ग्रीडी लगी। ठीक है, एनीवे प्रोजेक्ट अच्छा है, थोड़ा बहुत आप रख सकते हो, अकाला की इतनी हाइप नहीं जितनी मूनबीम की है, लेकिन अकाला भी बहुत अच्छा जाएगा। जिसने भी इसका जो 80 सेंट पे बाय किया है, 81 सेंट के आसपास बाय किया हुआ है, जो फ्यूचर में इसका जो टोकन सेल था 80 सेंट के आसपास था, तो वो बाय किया, उसके बाद ये अकाला उसको मिल चुका है, अब रिलीज हो रहे हैं, एक फाइनल जो रिलीज है वो बाकी है, तो वो होने के बाद इसकी ग्रोथ आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, 1 महीने के बाद इसकी ग्रोथ जाएगी, तो इसको वॉच करो। जैसे ही डाउन आता है थोड़ा सा और $1 के आसपास मिलता है तो छोड़ना नहीं है, इसको भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम। मैं आपको ये बता दूं कि इसके अलावा जो डॉट है, डॉट के रिलेटेड जो भी जो कॉइन है, टोकन है, जो भी आप उसके इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनको मिस मत करना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो होल्ड करके रखना दोस्तों। ठीक है, अगर वो होल्ड करके रखोगे, जो भी अपडेट्स, जो भी नई चीज आएगी, देखो मैं आपको बता दूं कि इथेरियम पे बहुत ज्यादा हाइप आ चुकी है, नो डाउट इथेरियम बहुत बढ़िया कॉइन है। दूसरा बीएनबी पे बहुत ज्यादा हाइप आ चुकी है। तीसरा मैटिक के ऊपर भी बहुत ज्यादा हाइप आ चुकी है। चौथा रहा पोलका डॉट, इसकी जो हाइप है उस लेवल का इसने अभी टच नहीं किया है, 52 इसका ऑल टाइम हाई था, लेकिन अभी भी उसमें बहुत ज्यादा, अभी भी क्या वो फॉर लॉन्ग टर्म है, डॉट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट आपको हो सकता है डॉट से भी ज्यादा रिटर्न दे दे, लेकिन फॉर श्योर डॉट है जो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, गेविन वुड एक साइंटिस्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। ठीक है,
और इथेरियम में का उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइंड था जिसकी वजह से इथेरियम ने ग्रो करी। उसने अपना जो इकोसिस्टम स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं अपने इकोसिस्टम को वो बहुत ज्यादा जबरदस्त बनाने वाला है, ठीक है, फीस के मामले में, स्पीड के मामले में और एडॉप्शन के मामले में। दोस्तों डॉट को मिस मत करना, ठीक है, और आने वाले टाइम में कोई भी फ्यूचर में कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट है आपको अगर उसका रिव्यू करवाना है तो प्लीज कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है, मैं उसका रिव्यू आपके लिए करूंगा फॉर फ्री एकदम। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है अपनी नॉलेज शेयर करके आपके साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड वन।